अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर वाफ़ियत से रखे। आज आपके लिए बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आऊँ, सेवरी आइटम है, यानी कि थोड़ा सा सेवरी आइटम भी सोचा आप लोगों को सिखाऊँ। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पैनकेक। ठीक है, पैनकेक को आप दो तरीके से बना सकते हैं, यानी कि आप इसको मीठे में भी बना सकते हैं और आप इसको स्पाइसी में भी, यानी कि जो फीलिंग आपको पसंद हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसको आप बना के सेव भी कर सकते हैं, यानी कि फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपको नीड हो बच्चों को खिलाना हो आप बनाएं इसको। प्रोसेस आपके सामने इंशाल्लाह पूरी वीडियो का होगा और आप इसको देखते रहेंगे लास्ट तक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक अदद बाउल लेते हैं और ये जो चीज़ें इसके अंदर कंटिन्यू हम डालते रहेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको प्रॉपर समझाता रहूँगा। एक अदद बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अंदर हम तोड़ देंगे अंडे, 5 अंडे इसके अंदर तोड़ेंगे और 5 अंडों के बाद इसके अंदर 2 अंडे की हम डालेंगे जर्दी। दो अंडे की जर्दी डाली जाएगी इसके अंदर, सफेदी को बिल्कुल अलग कर देंगे। ये देखें, एक बाउल के अंदर सफेदी निकाल देंगे और जर्दी इसमें डाल देंगे। अगर आपने रेसिपी को हाफ करना है तो आप इसको आधा कर लें, यानी कि 1 अंडा डाल दें और उसके अलावा 3 अंडे और एक्स्ट्रा डाल दें, जो फुल अंडे थे वो 3 डाल दें। चलें, ये हो गया। अब हम कर लेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक, नमक के बाद जाएगा इसके अंदर मेल्टेड बटर। बटर को आप मेल्ट करके अपने पास रख लें, इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। चलिए, मैदा भी आ गया इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने ताकि इसके अंदर जो मैदे की गुठली वगैरह बन जाए वो ख़त्म हो जाए। अब लास्ट में क्या किया जाएगा, इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर लेंगे, फ्रेश मिल्क चाहे तो भी ऐड कर लें और जो डब्बे का दूध होता है वो भी डाल सकते हैं। इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। ये मिक्सर हमारा बिल्कुल पतला हो गया है और हमें ऐसा ही मिक्सर चाहिए। मिक्सर हमारा रेडी है, अब हम एक अदर फ्राई पैन लेंगे और इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है जी। अच्छा जी, फ्राई पैन को सबसे पहले आपने थोड़ा सा गर्म करना है और एक अदर प्लेट भी अपने पास रख लेते हैं। जैसा ही हमारा फ्राई पैन गर्म होगा हम इसके अंदर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और ये जो मिक्सर हमारे पास रेडी है पैनकेक का, आपको तरीकाकार समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बनाना है। ठीक है जी, ये ऑयल ले लें आप, इसको ऐसे ऑयल लगा दें का। ठीक है जी, अच्छे तरीके से ये समझ लें पूरे के अंदर ऑयल लग जाएगा। ऑयल डालने के बाद आपने इस तरीके से पूरे फ्राई पैन के अंदर इसको, अब क्या करना है आपने, ये मिक्सर उठाना है, बहुत ज़्यादा मिक्सर नहीं डलेगा इसके अंदर। ये तरीकाकार देख लें, ऐसे डालना है मिक्सर को और पूरे फ्राई पैन में आपने इसको घुमा लेना है। ठीक है जी, फिर आपने इसको दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख देना है। जैसे ही पकेगा तो ये खुद ब खुद इसके साइडें छूट जाएंगी इसके अंदर से और आपने इसको ऐसे हिलाते रहना है।
अच्छा जी, अब इसके लिए हमें चाहिए चिकन, मायोनीज और कैबेज, और आपको चाहिए पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने रेडी कैसे करना है। आप इसको बनाएं, और आप इससे ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं माशाल्लाह इसको बनाने के बाद, क्योंकि ये झटपट रेसिपी है। आप इसको बना के फ्रिज में रखें, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसको फ्रिज में रखना है आपने जब आपको नीड हो, बच्चों के लिए बनाएं। और ये ऑनलाइन तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका फाइनल लुक आप लोग देखिएगा कि फ़ाइनल लुक हम कैसे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप यहाँ रख लें इसको, सबसे पहले आपने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। मैरिनेट की हुई चिकन आप घर में भी मैरिनेट कर सकते हैं, आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए जी, चिकन भी हमने तकरीबन सब में रख दिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर मायोनीज, आज जी इसके ऊपर हम बंद गोभी रख देंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं रखना इसको। फिर हम कर देंगे इसको फोल्ड। अच्छा जी, अब हम इसकी कटिंग करके इसको डिस्प्ले में प्लेटर में लगा देंगे। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपना ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, ऑर्डर पे भी काम कर सकते हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही लाजवाब चीज़ें बना के रखें फ्रिज में। बार बार मेहनत करने की नीड नहीं है आपको, एक दफ़ा बना के फ्रिज में रखें, जब बच्चों को देना हो तो बना के आप खुद भी खाएं, गेस्टों के लिए भी ट्राई करें। इंशाल्लाह बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। जी बिम्बर्स, रिकैप आप लोगों ने देख लिया होगा, स्पाइसी पेनकेक हमारा रेडी है। बहुत ही शानदार रेसिपी है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे घर में मौजूद नहीं होती, अंडे, मक्खन, मैदा, चीनी ऑलरेडी हमारे घर में मौजूद होती है। तो झटपट से बनाएं इसको और अपने बच्चों को सर्व करें। और बड़े मज़े की बात कि आप ऑनलाइन इंशाल्लाह ताला जब एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे, सेल करेंगे, इंशाल्लाह आपके पास दोबारा ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये बनाए इतना ज़बरदस्त है। इसी के साथ कोई भी आइटम आपको चाहिए हो बेक हाउस पर ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.bakehouse.pk। जितने भी इक्विपमेंट वगैरह मैं यूज़ करता हूँ सब आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो हमें याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।